हेलो फ्रेंड्स, आज के नए एपिसोड में सपने में इसबगोल, इंद्रधनुष, ईद का चांद और ईश्वर देखने का मतलब बताया गया है। जीवन में कभी कभी ऐसे स्वप्न आते हैं जो स्वप्न देखने के बाद लगता ही नहीं है कि हमने स्वप्न देखा है, या खुली आंखों से कुछ देखा हो, और ऐसे स्वप्न कुछ समय तक असहज स्थिति पैदा कर देते हैं जिससे लोग उन सपनों में खो जाते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं जान पाते हैं। ऐसे विशेष स्वप्न का मतलब हर कोई नहीं बता सकता है और ना ही समझ सकता है, इसीलिए कभी कभी ऐसे स्वप्न चिंता में डाल देते हैं। आइए ऐसे सपनों को जानें। यदि स्वप्न देखने वाला सुबह के समय यह स्वप्न देखे कि उसके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकाशमान होकर चली जा रही है या कहीं दूर से दिख रही है, तो इसका मतलब है अच्छे कार्य होंगे तथा रोजगार में वृद्धि होगी। इसी प्रकार कोई अपने ईश्वर देखे तो इसका मतलब होता है कि उसकी अशांति दूर होगी और उसके जीवन में सुख आने वाला है। जबकि अपने ईश्वर को गुस्से में देखे तो पाप कर्म में वृद्धि हो सकती है, लेकिन ईश्वर को हिसाब किताब करते हुए देखना शांति प्राप्ति को बताता है। इसी प्रकार अपने सांप्रदाय के अनुसार अपने ईश्वर के दूत को देखना मानसिक शांति एवं संतुष्टि को बताता है। इसी प्रकार अपने सांप्रदाय के ईश्वर को सोचते एवं विचार करते हुए देखें तो आशापूर्ण जीवन को बताता है, और अपने ईश्वर के साथ बातचीत करना मानसिक अनुभूति को व्यक्त करता है। जबकि ईश्वर का उपदेश सुनना आर्थिक और धन के मार्ग में उन्नति को बताता है। ईद का चांद देखना आनंद और प्रसन्नता का संकेत मिलता है, जबकि इंद्रधनुष देखना जीवन में प्रसन्नता एवं उपलब्धि को बताता है। इसबगोल देखना या खाना बहुत दिनों तक कष्ट भोगने का संकेत मिलता है। इसी प्रकार विभिन्न स्वप्न फल की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर व कमेंट भी करें। धन्यवाद।